अब हम बात करते हैं बोहर के मॉडल की, लेकिन बोहर के मॉडल को समझने के लिए कुछ चीजें समझने की जरूरत है जिसको बोहर ने क्या किया, अपनी थ्योरी का पार्ट बनाया, बिना उसके समझ में उसको नहीं आती। पहली चीज तो ये है कि बोहर मॉडल एक्चुअली बोहर का जो मॉडल है उसने किस चीज को कंसीडर किया था, लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, ठीक है। ड्यूअल नेचर मतलब लाइट में वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है, और एक्चुअली क्योंकि वेव नेचर होता है तो स्पेक्ट्रल लाइंस को पढ़ के, ठीक है, लाइट किस तरह से एमिट हो रही है उसके वेवलेंथ को पढ़ के स्पेक्ट्रल लाइन बनाई, स्पेक्ट्रल रिजल्ट से उसने बोहर ने अपना मॉडल दिया। तो बेसिकली यहां पर बोहर ड्यूल नेचर पे बिलीव करता था, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, ठीक है। अब इन वेव नेचर और पार्टिकल नेचर का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। देखो वेव नेचर का मतलब समझो, वेव नेचर का मतलब यह है कि कोई भी पार्टिकल, आप, मैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन, न्यूट्रॉन, जब वो आगे बढ़ेंगे तो अपने साथ एक वेव को निकालेंगे, उसको वेव नेचर कहते हैं, मतलब उसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हर एक, यहां पर कहने का मतलब यह है कि इस पूरी यूनिवर्स में कोई भी पार्टिकल है जिसके पास मास है उसके पास वेव नेचर भी होएगा, मतलब वो कोई ना कोई चलते हुए कोई ना कोई लैम्डा यानी कि वेवलेंथ को प्रोड्यूस कर रहा है। आप भी चलोगे ना, आप भी वेव प्रोड्यूस करोगे, लेकिन उसकी लैम्डा इतनी कम होती है कि वो हमें दिखाई ही नहीं देती है, हमारे विजिबल रेंज में आती ही नहीं है, वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए वो महसूस ही नहीं की जा सकती। आ रहा है समझ में? तो अगर आप लोग देखोगे तो किसी भी वेव की, वेव जो होती है, कोई भी वेव होती है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ले लेते हैं, उनका कुछ ना कुछ वेव लेंथ होता है, तो उसको वेव नेचर बोलेंगे जिसका वेव लेंथ होगा। जैसे कि विजिबल जो वेव्स होती हैं, ठीक है, उनकी वेव लेंथ कितनी होती है, 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में होती है। आप 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में देख सकते हो, या फिर 4000 से 7000 आर्मस्ट्रांग तक देख सकते हो, ठीक है। तो देखो जिसकी लैम्डा की वैल्यू कम है, जरा आप चेक करो, यहाँ पर जो बैंगनी पर्पल कलर आ रहा है ना, उसकी लैम्डा की वैल्यू कम है, और रेड कलर की लैम्डा की वैल्यू हाई है, लैम्डा की वैल्यू बहुत मैक्स है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो काम आती है, अगर आप देखोगे तो 700 रेड की लैम्डा की वैल्यू मैक्स है, इसका मतलब उसकी पेनिट्रेशन है, एनर्जी मिनिमम होती है। आगे हम रिलेशन पढ़ेंगे कि एनर्जी इज एंटी प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी कम होगी। तो रेड की लैम्डा की वैल्यू ज्यादा होती है लेकिन उसकी एनर्जी कम होती है, और ये विजिबल रेंज है, 400 से 700 नैनोमीटर तक हम लोग देख सकते हैं, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। अगर उसमें किसी भी, याद रखो, किसी भी पार्टिकल की वेव है तो उसके लिए लैम्डा डिफाइन जरूर होगा। लैम्डा का क्या मतलब होता है? लैम्डा का मतलब होता है वेव लेंथ, क्योंकि वेव नेचर है तो वेव लेंथ तो होगी। पार्टिकल नेचर के लिए आप यहां पर किसी भी चीज की ड्यूअल नेचर को अगर डिफाइन करना है, ठीक है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को डिफाइन किया गया था। ब्लैक बॉडी क्या होता है बेसिकली? ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो कि अगर आप इस पे लाइट फेंकोगे तो ये हर तरह की लाइट के लैम्डा को, हर तरह की लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको ब्लैक बॉडी कहा जाता है। और सिमिलर चीज इसको हीट करने पे भी होता है, मतलब सिमिलर नहीं, इसको अगर हीट करोगे तो ये सिमिलर बाकी की जैसे ही होता है। वो क्या करता है? रेडिएशन इमिट करती है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, आपने कभी देखा कि लोहार को, देखा लोहार क्या करता है? लोहे को गर्म करता है। आपने कभी गौर किया हो, लोहा वैसे ग्रे कलर का होता है, सिल्वरी ग्रे कलर का डार्क होता है, ग्रे कलर का टाइप का होता है, लेकिन जब आप उसको हीट करते हो तो वो आपको रेड रेड कलर का दिखाई देता है, और ज्यादा हीट करोगे तो आपको ब्लू कलर का भी दिखाई देगा, ठीक है। तो ये रेड कलर का क्यों दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली अगर आप पूरी साइंस को पकड़ोगे तो आप कोई भी चीज को हीट करते हो ना तो वो हर तरह की रेडिएशन की लाइट बाहर निकलता है, हर तरह की वेवलेंथ की लाइट को बाहर निकालता है, लेकिन जो लाइट वो सबसे ज्यादा बाहर निकालता है वही हमें दिखती है। तो अगर आपको आयरन रेड कलर का दिखता है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि उस वेवलेंथ की लाइट वो सबसे ज्यादा इमिट कर रहा है। ऐसा कुछ ग्राफ आता है जिसमें ये वेवलेंथ की लाइट सबसे ज्यादा इमिट हो रही है, इस वजह से यहां पर आपको रेड दिखता है वो। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ रेड कलर ही इमिट कर रहा होगा, वो सारी वेवलेंथ इमिट करता है। ऐसे ही आपकी जो ब्लैक बॉडी होती है वो भी सारी वेवलेंथ इमिट करती है। इस कॉन्सेप्ट को लिया गया था, और ब्लैक बॉडी को डिफाइन करने के लिए ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल प्लैंक्स ने एक थ्योरी दी थी, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को और क्लैरिफाई करने के लिए प्लैंक्स ने एक थ्योरी दी थी, उसको हम लोग जरा समझे। प्लैंक ये कहता है, जनरल थ्योरी ये थी कि जो सन से रेज आ रही हैं वो सारी की सारी ना वेव नेचर रखती हैं, वो वेव की फॉर्म में आ रही हैं, समझ में आ गया। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उनकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होती है। जनरल थ्योरी ये थी कि वेव की फॉर्म में आ रही है। जब पार्टिकल नेचर आया तो प्लैंक ने, मैक्स प्लैंक उनका नाम था, उन्होंने अपनी प्लैंक क्वांटम थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, जो सन से एनर्जी के बंडल, सन से जो रेज आ रही है उनके अंदर छोटे छोटे एनर्जी के बंडल है जिनको फोटोन या क्वांटम कहा जाता है, और बहुत सारे बंडल को क्वांटा कहा जाता है, इसलिए उनकी थ्योरी को प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी का नाम दिया गया। तो वो कहते हैं कि आप जब धूप में खड़े होते हो, या आप धूप में खड़े हो, तो जो सन से रेज आ रही है वो ऐसे नहीं कि वेव फॉर्म में एनर्जी लेके आ रही है, ऐसा नहीं है। उनमें छोटे छोटे एनर्जी के पार्टिकल्स है जिनको क्वांटा या क्वांटम कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। अब हर एक छोटे छोटे पैकेट के पास है ना अपनी खुद की एक एनर्जी होती है, उस एनर्जी को उन्होंने क्या नाम दिया? उन्होंने कहा कि उस एनर्जी की वैल्यू होगी E=h𝛎, न्यू मने फ्रिक्वेंसी, जिसको हम बोलते हैं C/λ, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सी यानी कि इसको क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट है ना, उसी की
स्पीड से आगे बढ़ती है। तो जो लेमडा की, सॉरी यहां पर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू वो सी बाई लेमडा है। सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸, ये तो बोलते हैं मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, लाइट की जो स्पीड है। और लेमडा क्या है यहां पर, लेमडा बेसिकली उस वेव का वेवलेंथ है, और सी बाई लेमडा की वैल्यू को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, और एच की वैल्यू को प्लांक कॉन्स्टेंट कहा जाता है, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻¹¹। मतलब यह है कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब आगे बढ़ रही होती है तो वो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट लेके चलती है, हर एक एनर्जी के पैकेट के पास इतनी एनर्जी होती है, E=hν, समझ में आ गया। और अगर मान लो कि भैया तुम्हारे पास n मोल्स ऑफ, यहां पर अगर मान लेते टोटल नंबर ऑफ क्वांटा n है, तो आप n से मल्टीप्लाई कर दो टोटल एनर्जी को निकालने के लिए, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। आया समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला फॉर्मूला जो आपको काम देगा, मतलब E=hν और न्यू का वैल्यू होता है c बाई लेमडा, तो ये दोनों चीजें आपको बहुत काम देगी आपके न्यूमेरिकल सोल्व करने में। फिर पार्टिकल नेचर को एक और चीज डिफाइन करते हैं, जिसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्या होता है, किसी भी मेटल की प्लेट पर, अगर आपने देखो हमें चैप्टर पूरा करना है, ध्यान से सुनना, जो सुनता जाएगा उसको आता जाएगा। किसी भी मेटल की प्लेट पर अगर आप लोगों ने किसी भी वेवलेंथ को यहां पर इंसिडेंट करवाया, ठीक है, जैसे ये हो रहा है प्रैक्टिकली आपको दिख भी रहा है, तो वहां से क्या होगा, वो एनर्जी को गेन करके वहां के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो यहां पर है ना फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, ये कहता है कि वहां पर अगर सन की रेज आ रही है और मेटल की प्लेट पे टकरा रही है और वहां से एनर्जी लेके जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, तो बेसिकली वो एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में आ रही है, क्वांटा की फॉर्म में। तो उस एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, E=hν। इतनी एनर्जी आप दे रहे हो, जो यहां से सनलाइट यहां से इसके ऊपर गिरा रहे हो, उसमें टोटल एनर्जी जो भी है उसके अंदर वो है E=hν। अब ये जो एनर्जी, ये एनर्जी के जो फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन को मिल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल रहा है, आगे समझ में। तो मतलब ये है कि जो एनर्जी आप सनलाइट की फॉर्म में, मतलब जो एनर्जी उनके पास है वो सनलाइट की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को जो मिल रही है, वो दो काम आएगी, पहला तो भैया इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, दूसरा उसको दौड़ने में। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसको ऐसे समझ सकते हो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मान लो ना आपका दोस्त घर पे है होली के दिन और वो बाहर नहीं निकल रहा, तो तरीका क्या है, एक तो बोले ओ सुन, समझ में आ रहा है, तो ऐसा करोगे ना, सुन बाहर आ, तो सुन बाहर आ तुझे, मतलब ऐसा प्यार से बोलोगे तो सुन बाहर आ, तो खिड़की तक तो वो आ ही जाएगा, समझ में आ रहा है। तो आप उसको खिड़की तक लेके आ गए, मतलब उसकी शक्ल आपने देख ली, तो और पर अगर उसको साथ में आपने थोड़ा सा अपने दोस्तों यारियों पे चलता है गाली दे दोगे, तो वो आपके पीछे भी दौड़ेगा। या फिर आप मान लो ओ सुन बाहर आ और आपने एक गुब्बारा लिया, कौन सा वाला, कलर भरा हुआ, और दिया उसके मुंह पे खिंचा के, तो क्या होगा, पहले तो बोला ओ सुन बाहर आ, तो खिड़की पे आ गया, और फिर आपने ना खिंचा के उस पर गुब्बारा मारा, तो आपके पीछे भी दौड़ेगा। तो सेम चीज यहां पे भी होती है, मतलब ये है कि आप जो लाइट इंसिडेंट करवा रहे हो उसके पास कितनी पावर है, क्या सिर्फ उसके पास सिर्फ बाहर निकालने की पावर है या फिर पीछे दौड़ाने की भी पावर है। तो बेसिकली जो भी आप एनर्जी देते हो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक तो खिड़की पे शक्ल दिखाएगा वो, जिसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, समझ में आ गया, मतलब सिर्फ बाहर आएगा, और एक दौड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी। तो आप जो भी एनर्जी यहां पर इंसिडेंट हो रही है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जो भी आप एनर्जी दे रहे हो वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, पहला तो वर्क फंक्शन यानी कि सिर्फ बाहर निकलेगा, दूसरा काइनेटिक एनर्जी, समझ में आ गया। ये है आपका फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट का टोटल इक्वेशन। अच्छा, ई की वैल्यू क्या हो गई भाई, जो लाइट आपने इंसिडेंट करवाई H𝛎, और वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज H𝛎₀, समझ में आ गया। इसको न्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जितनी फ्रीक्वेंसी लेके वो बाहर आएगा, और हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होती है वो फिक्स होती है, ठीक है। और अगर हम लोग यहां पर दोनों की वैल्यू रख दें तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आएगी, आप ई की वैल्यू और डब्ल्यू की वैल्यू रख दो तो काइनेटिक एनर्जी आएगी, एच कॉमन निकल जाएगा, तो म्यू माइनस म्यू नॉट, ये काइनेटिक एनर्जी है, जो कि किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, 1/2 mv² के बराबर होती है। तो यहां से आप वेलोसिटी